आ जाएगा दिल्ली सल्तनत। क्या वर्ड बोले हम? ऐसा नाम क्यों है दिल्ली? ये जो सल्तनत है, दिल्ली वर्ड इसलिए जुड़ा क्योंकि शासन सत्ता का मेन केंद्र इन तमाम शासकों का दिल्ली ही बना रहा और दिल्ली से ही संपूर्ण साम्राज्य और सत्ता के काम को संचालित किया गया, इसलिए संपूर्ण सत्ता को नाम पड़ा क्या? दिल्ली सल्तनत। दो बातें आती है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य या आक्रमण का कारण क्या था, तो यहाँ दो तरह की बातें आती हैं, एक भौगोलिक कारण और एक सामाजिक कारण, जिसके कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो एक एक पहलू को देख लो, तुम देख लो अभी का ये भारत है, यहाँ ये जान रहे हो कि पाकिस्तान है, इधर आ गया ये क्या है? ईरान है। ये क्या है? इराक है। और ये क्या है? कुवैत है। ये कहाँ है? बहरीन। ये आ गया कतर। कतर ये बड़ा सा जो देख रहे हो, सऊदी अरब है, ये ओमान है, यमन है, ये तुम्हारा आ जाता है UAE, जिसको दुबई बोलते हो। अब इधर आओ, ये आ गया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। यारा ये आधुनिक मैप का डिस्ट्रीब्यूशन है, बात समझोगे। हिस्टोरिकल नाम कुछ और आएगा। ये तुम देख रहे हो चाइना है, ये मंगोलिया है, ये रूस है, ठीक है? तुम लोगों को मैप है बहुत तगड़ा दिमाग में। देखो भारत के ये जो निकटतम पड़ोसी राष्ट्र है अफगानिस्तान से, ये इलाके को गौर करो, यहाँ पर अभी भी आज तक सुने हो कि धान चावल मड़ुआ गोंदली कोई भी चीज़ खाद्यान्न के उत्पादन में आगे हो हैं? तो इन्हीं तमाम जगहों में को एक पुराना हिस्टोरिकल नाम आता है, जिस जगह का नाम है गौर और एक जगह का नाम है गजनी। बात समझना, जैसे बिहार में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? बिहारी। वैसे ही गजनी में रहने वाले लोग कहलाएंगे गजनवी, गौर का रहने वाला लोग कहलाएगा गौरी। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक? ध्यान रखना, आज भी इन इलाकों में खासकर अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान को कब्जा करना बड़ा आसान है। इसको किसने नहीं कब्जा किया, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, लेकिन लंबे समय तक कोई वहाँ शासन नहीं कर सक पाता क्योंकि वहाँ कबीलाओं की दबदबा है, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, हर एक कबीले का अपना एक मुखिया होता है, हर एक कबीले का अपना एक मुखिया होता है, बात समझोगे? तो ये कबीलाई तंत्र चरम पर है। यही कारण है कि वर्चस्व की लड़ाई होती थी और आज भी अफगानिस्तान में अमूमन यही सस्ता सिस्टम चलता है। तो एक जगह पड़ता है जिस जगह का नाम है गजनी। गजनी के लोग शासक हुआ करते थे, गजनी के लोग शासक हुआ करते थे और उन शासकों की सेना में ज़्यादातर सैनिक गौर के लोग हुआ करते थे। हमने क्या कहा कि गजनी के लोग शासक हुआ करते थे और गौर के लोग उसके सिपाही हुआ करते थे। तो यारा उसी में एक करैक्टर है महमूद गजनवी, और यही गजनवी भारत पर आक्रमण किया है। तो यारा हाँ, 17 बार आक्रमण किया सब मान लो, लेकिन कभी ये सोच के देखा कि जितनी बार आक्रमण किया सफलता उतनी बार मिली, लेकिन क्या उसने भारत के भूभाग के ऊपर कब्जा करके कभी शासन के काम को किया? नहीं। यारा कबीला तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो लोग लूटेगा और लूट कर फिर अपने ही कबीले में रिटर्न बैक जाएगा। वो लूटेगा और लूट के अपने ही कबीले में वापस जाएगा, वो कहीं टिकेगा नहीं। हर कबीले के जीवन जीने की अपना एक अंदाज होता है जो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अब सवाल यह है कि भारत को ही क्यों लूटता था? तो यारा जरा देख लो,
इन तमाम निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों को, अभी तो पाकिस्तान को हटा दो, भारत का ही पार्ट था, बदला इन तमाम इलाकों में खेती है क्या? और उस जमाने में खेती के अलावा जीविकोपार्जन का कोई साधन था क्या? कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी क्या? हाँ या ना? क्या विज्ञान आज की तरह उन्नत और विकसित था क्या? तो लोगों के जीविकोपार्जन का एक ही साधन था, वो था क्या? खेती। और दूसरा साधन था कि राजघरानों में सिपाही की नौकरी कर लो। जब कभी भी गजनी और गौर के सैनिकों को, शासकों को, अपने सैनिकों को, गजनी के शासकों को अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसा घटता तो वो निकटतम पड़ोसी राज्यों के ऊपर आक्रमण करता। अब तुम ही बतलाओ, तुम ही क्यों आक्रमण करेगा? लूटने जाएगा तो लूटना वहीं पसंद करेगा जहां कुछ संपदा होगा। अरे जहां संपत्ति है ही नहीं वहां लूट के करेगा क्या? अब जरा भारत के भौगोलिक स्थिति को देखो, उस कालखंड का। भारत टुकड़ों में बटा था, हर एक टुकड़े का अपना एक शासक होता था, हर एक शासक के लिए अपना टुकड़ा, उसके लिए एक देश होता था। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक टुकड़ा उन शासकों के लिए अपना एक देश होता था। आपस में राजाओं की लड़ाइयाँ जबरदस्त होती थी, एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। दूसरी बड़ी बात देखते हो, दक्षिण भारत में पांव दुख जाएगा लेकिन मंदिर की कोई कमी नहीं होगी। कौन राजा कितना प्रतापी है इस पर निर्भर करता था कि कौन कितना मंदिर बनाता है, भव्य और आलिशान मंदिर बनाता है। देखते हो उपाधि भी चलता था महाराजाधिराज। बात समझ में आ रहा है? आउटपुट इनपुट ये है कि इन तमाम शासकों के लिए एक ऐसे जगह की तलाश होती जहाँ पर कम रिस्क हो और ज़्यादा प्राप्ति हो। आज भी देख लो, भारत में धर्मप्रयाणता की कोई कमी नहीं है। ट्रेन से गुजरेगा, रास्ते में नदी पड़ता है तो लोग चवन्नी अठन्नी फेंकना शुरू करता, अब तो चवन्नी अठन्नी नहीं रुपये फेंकता है। ये कल्चर था। हालांकि मत फेंका करना, पहले तांबे का सिक्का चलता था और तांबा, हाँ तांबा पानी को शुद्ध करता है। वो जमाना आरओ का नहीं था। बात समझ में आ रहा है? लोग नदी का पानी भी पीते थे, तो वाटर प्यूरीफायर है वो। अरे अल्मुनिया खराब है, इसलिए कृपया फेंकने से परहेज करें। कोई भी मंदिर जाता है दान देता है या नहीं? अरे पद्मनाभन मंदिर में का एक खजाना जो खुला है उसमें इतना संपत्ति है, सोना है, कि छोटे छोटे राष्ट्रों का उतना का बजट नहीं है यार। मंदिरों को धन दान देने की प्रवृत्ति जबरदस्त है। सोमनाथ मंदिर को जो पहली बार गजनी लूटा था, आवाक था कि मंदिर में इतना सोना। अब तुम ही बतलाओ, मंदिर में रिस्क कम है? अरे लूटना आसान है, क्योंकि जो देखेगा कौन रिस्क लेके जाएगा। तुम लूटे का मतलब मत सोचना अभी टाइप पर कि आया झपट्टा मारा और भाग गया। चला इत्मीनान से कैंप लगाता था, खाना बनाता था, खाता था, फिर इत्मीनान से चढ़ चढ़ के सोना चांदी उतारता था। हर कोई देखता था कि लूट रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता था कि मेरा क्या है। बात समझ में आ रहा है? सोमनाथ मंदिर को पहली बार लूटा, दूसरी बार आया, देखने आया था कि जो लूटे हैं उसका आलम क्या है, तो पाता क्या है कि साला जितना लूटे थे उससे कहीं ज़्यादा माल तो अब और है। मतलब कुआं टाइप पर हो गया कि पानी निकालो फिर रिस जाएगा, सोवा जाएगा। यही कारण था कि इन लोगों ने उन जगहों को सब टारगेट बनाया जिसको लूटना क्या हो, आसान हो। अब सवाल होता है कि क्या गजनी से पहले कोई और था जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में अरब सूबेदार हजाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना, खाली मोहम्मद बिन कासिम नहीं पूछता है वो किसके आदेश पर था, वो कहाँ का था। अरब सूबेदार हजाज, क्या नाम बोले? अरब सूबेदार हजाज। फिर से बोलो, जोर से बोलो, अरब सूबेदार हजाज के आदेश पर, अरब सूबेदार हजाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, अरब सूबेदार मोहम्मद, अरब सूबेदार हजाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण। और यह भी ध्यान रखना, सबसे पहले जजिया यही लगाया है, और यही लगाया भी है और यही हटाया भी है, दोनों तीन चार पॉइंट आ गया है।
अरब सूबेदार हजाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, 712 ईस्वी में आक्रमण किया, सबसे पहले जजिया लगाया और ये हटाया भी है। यहाँ से 712 ईस्वी से ही भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौर की कहानी है। यारा ये राष्ट्र अजीबो गरीब मिट्टी से बना है। यहाँ के जो हिंदू हैं कह सकते हो 712 ईस्वी से ही, चूँकि इस्लाम का एक नेचर भी होता है किसी भी राष्ट्र को इस्लामिक वर्ल्ड में कंट्री में कन्वर्ट करना, लेकिन 712 से 2024 तक का सफ़रनामा ले लो, आज भी ये प्रक्रियाएं चल रही है। मुस्लिम जगत छोड़ दो, आज तो ईसाई जगत पूरा नहा धो के पड़ा ईसाईकरण करने के पीछे, लेकिन क्या कर पाया? झारखंड का 99% नहीं 100% ईसाई तो ST है। मेरी बात को समझना। तो ये सिलसिला चल निकला। मूल टॉपिक पर आते हैं, तीसरी में हम बतलाए कि एक जगह है गजनी, गजनी के रोकने वाले लोग कहलाते थे गजनवी। गजनवियों की सेना में ज़्यादातर सैनिक होते थे गौर के, और वो कहलाते थे गौरी, वो कहलाते थे गौरी। आप जरा सोचना, गजनवी महमूद गजनवी जो है शासक है, गौर के लोग सैनिक हैं, जान जाएगा किसका? सैनिकों का, क्योंकि जंग में भाग लेंगे कौन? सैनिक। तो उसी में से एक करैक्टर मोहम्मद गौरी को लगा कि यारा ताकत मेरी है, ताकत गौरियों की है और हुकूमत गजनवियों की है, आखिर क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है कि शासक है कौन? गजनी के गजनवी, और उसके सैनिक हैं कहाँ के? गौर के। सैनिक हैं कहाँ के? गौर के। तो गजनवियों गजनवी वाले लोग शासक हैं, गौर वाले लोग उसके सैनिक हैं। उसी सैनिकों में से एक करैक्टर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी को ये लगा कि जब मेरे दम पर गौरियों की ताकत पर गजनी के लोग शासक हो सकते हैं तो क्या मैं शासक नहीं हो सकता हूँ? जब मेरी ताकत से हुकूमत चल सकती है, कोई शासक बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? यही वो सवाल था जो अंदर से उसको झकझोरता है, और अंततः एक व्यक्ति और व्यक्तित्व उभर के आता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। और इस प्रकार मोहम्मद गौरी बतौर शासक के रूप में उभर कर सामने आता है। यही सब करने आई है तुम यहाँ? हैं, फिर करेगी काम की? हैं, हल्ला कर दें हम लड़का लोग बोल दें? कहाँ देख रही थी सो? हैं, चलो अब नहीं दोहराई गलती, सोच लो। हैं, तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी उसमें से एक उभर करके आया हुआ कैरेक्टर है, और वही तराइन का युद्ध 1791 में मोहम्मद गौरी लड़ता है। तराइन का युद्ध 1191 में, 1191 में, और तराइन के युद्ध में हराता है किसको? हारता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। हारता है किससे? कब की घटना है ये? 1191। तो क्या वो पृथ्वीराज चौहान को हराने आया था? अरे वो निमंत्रण पर आया था भाई। 7वीं सदी से 12वीं सदी के कालखंड को राजपूतों का कालखंड कहा जाता है। राजपूत की उत्पत्ति विदेशी मानी जाती है। राजपूतों में वीरता की कोई कमी नहीं थी, सैन्य क्षमता की कोई कमी नहीं थी, नेतृत्व क्षमता की कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ा कमी था यही था कि आपसे में लड़ता था। अगर देख लेता था कि हम अकेले नहीं हरा पाएंगे तो दूसरे का सहयोग लेता था। तो इसी क्रम में विदेशी आक्रमणकारियों का यहाँ पर दबदबा और दखल अंदाजी बढ़ा है चरम पर। 1192 में यही, जब तराइन के मैदान में दूसरी बार 1192 में भिड़ता है तो मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? इस बार जीत हो जाती है। उसके बाद तो कहना ही नहीं, आधुनिक राजस्थान, पाकिस्तान और दिल्ली, इस सब के आसपास, पाकिस्तान तो है, इसके आसपास के इन इलाकों के ऊपर ये अपनी सत्ता कायम कर लेता है। जब सत्ता इसने कायम कर ली तो एक प्रकार से भारत में एंट्री का रास्ता इसका खुल चुका है, लेकिन अभी वंशवाद की रणनीति चली नहीं है, चलेगा। अमूमन इन तमाम भूभागों के ऊपर ये अपना अस्तित्व कायम कर लेता है, वजूद कायम कर लेता है। मोहम्मद गौरी अक्खर स्वभाव का था यारा, अहंकारी प्रकृति का था। नहीं होता कि मैं शासक हूँ, मैं चाहे जो करूँ मेरी
मर्जी। तो यारा एक बात बतलाओ, तुम शासक हो, तुम किसी को चला दे रहे हो क्या? ऐसे ही रंगदारी करने करते अपने पहुंच गया था एक जनजाति जिसका नाम है खोखर। अरे खोखरे वाला खोखर जनजाति है क्या? खोखर। और यही खोखर जनजाति घटना है 1206 की। घटना है कब की? घटना है कब की? घटना है कब की? 1206 में खोखर जनजाति के पास पहुंचता है। और खोखर जनजाति वालों को इसका लूर लक्षण पसंद नहीं आता। खोखर जनजातियों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है। यार गौरी को कोई औलाद नहीं था। बहुतों ने पूछा भी कि गौरी तेरे मरने बाद तेरा उत्तराधिकारी बनेगा कौन? तो गौरी का स्टेटमेंट था, मेरे एक नहीं 1000 बेटे हैं। संभवतः उसका इशारा अपने दासों की ओर था। गौरी को दासों का बड़ा शौक था। यही कारण था कि हजारों की तादाद में उसके पास दास थे। दास बुझा रहा है ना, गुलाम। और उन दासों में से 3 दास इसके बहुत चहेता और लोकप्रिय था, पसंद करता था। उसमें नाम है एबक, एलदौज और कुबाचा। क्या नाम बोले? एबक, एलदौज और कुबाचा। फिर से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो। उसमें सबसे ज्यादा जिसको प्यार करता था मोहम्मद गौरी, उसका नाम एलदौज था। ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा किसको चाहता था? एलदौज का। लेकिन यारा अगर मोहम्मद गौरी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होता तो वो निश्चित रूप से एलदौज को करता। बात समझ में आ रहा है? अगर वो किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता तो वो एलदौज को करता। लेकिन यहाँ उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई गुंजाइश नहीं था, क्योंकि वक्त से पहले वो मारा जाता है, खोखर जनजातियों के हाथों मारा जाता है। अब आ गई बात कि अब क्या होगा। तो लाहौर की जनता ने, कहाँ की जनता ने? फिर से बोलो, लाहौर की जनता ने निमंत्रण दे दिया एबक को। और इस प्रकार एबक बन जाता है शासक। चूंकि एबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए पहला वंश का नाम पड़ा कौन वंश? गुलाम वंश। कौन वंश? कौन वंश? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुलाम वंश का ये कैरेक्टर, मोहम्मद गौरी का ये उत्तराधिकारी एक तरह से कौन? एबक। गुलाम था मान लिए, लेकिन एबक का बेटा आराम शाह भी गुलाम था क्या? इल्तुतमिश गुलाम था मान लिए, उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज भी गुलाम था क्या? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान गुलाम थी क्या? बहराम शाह गुलाम था क्या? हैं, लेकिन लंबी चौड़ी झड़ी है। लेकिन इतिहास लिखने वालों का अपना एक नज़रिया है, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस करने का कोई जगह नहीं बनता है। बात समझ में आया? तो ये वंश हो गया गुलाम वंश। और आगे चल करके इन तमाम शासकों के शासन का केंद्र बिंदु दिल्ली बना, और यहीं से अंत तक लोग शासन करते रहे, इसलिए साम्राज्य का नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत। क्यों पड़ा ये समझ में आया? हाँ या ना? और सल्तनत था, यहाँ के लोग शासक थे, तो तमाम शासकों को कहा गया सुल्तान। क्या कहा गया? सुल्तान। और मुगल जो शासक थे, लेकिन अजीबो गरीब वैभव था, साम्राज्य सत्ता था, मतलब वो विरासत, वो साम्राज्य, वो सुविधा, वो समृद्धि, वो तामझाम, अभी के शब्दों में तामझाम और पैतरा किसी शासक का नको नसीब नहीं हुआ, इसलिए वो लोग बादशाह कहलाए। मराठा शासकों को कहा गया क्या? तो मराठा शासकों को छत्रपति कहा जाता था। जो मराठा शासक राजा हुए उसको छत्रपति कहा गया। बात समझोगे? बंगाल का और लखनऊ के जो शासक हुए वो नवाब कहलाए। बंगाल और लखनऊ के शासक क्या कहलाए? नवाब कहलाए। मेरी बात समझ में आ रही है? विजयनगर साम्राज्य में जो शासक होता था उसको राय कहा जाता था। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे तोरे बोल रहे हैं लालटी सर, हाँ, ऐसा कौन सा कुकर्म किया है जो यहाँ सो रहा है? कुछ तो होगा ना, रात भर व्हाट्सएप चैट किया है, वीडियो कॉलिंग में था, है मैंने सच बोल दो तो रात भर तुम पढ़ रहा था,
बारह बजे तक पढ़ रहा था, अभी दो दस बजे हाँ ग्राउंड जा, वहाँ से ग्राउंड जा रहा था। चल बैठ, चल चल। होता है मानव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चलो तो हम तुम लोगों को बतलाए कि दिल्ली सल्तनत की ये कड़ियाँ आई, कौन कहाँ का शासक क्या कहलाया ये क्लियर है। दिल्ली सल्तनत के तमाम शासक क्या कहलाए, सुल्तान कहलाए, और इसमें पहला वंश आया कौन, गुलाम वंश। दिल्ली शासन का केंद्र बिंदु बना रहा, ध्यान दो, दिल्ली शासन का केंद्र बिंदु बना रहा, वंश बदलता रहा। ये हम बोले सो समझ में आया। आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, कभी बीजेपी के हाथों में सत्ता है तो कभी कांग्रेस के हाथों में हो सकता है, कल के जेएमएम का हो जाए, राजद का हो जाए, अरे कर्म जला आग लग जाएगा उस दिन। गधे को कितनों साफ कर दोगे, घोड़ा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है जी। तो ठीक उसी तरह से शासन का केंद्र बिंदु कहाँ रहा, दिल्ली, लेकिन यहाँ पांच वंशावलियों ने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी। इस ऑर्डर को दिमाग में रखना, छोटे एग्जाम में बहुत पूछता है कि कर्मशः सजाएं, तो आसान कोड जानिए रहे हो, गू खा तू साला, ये ऐसा कोड है जो एक बार में रटा जाएगा, बोलने में लाज लगेगा। क्या बोले हम, गू खा तू साला, क्या बोले बोलो, फिर से बोलो, रटाया, गू से गुलाम, खा से खिलजी, तू से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोदी। और दूसरा कोड मत लगाना, ये इतना जानदार कोड है जो एक बार में रटाता है और बोलने में बार बार खराब लगता है, गू खा तू सा ला, ठीक है जी। अब अंग्रेजी तंग्रेजी वाला हमारा सबको पता है, लेकिन वो ओकरा हम गड़बड़ा सकते हो अगर हम कोई कन्फर्म है कि नहीं गड़बड़ाएगा। अब आउटपुट ले लो, यहाँ से अभी हम लोग पहला वंश देखेंगे और उस वंश का नाम होगा कौन वंश, गुलाम वंश। कौन वंश हो जाएगा, कौन वंश पढ़ोगे, तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन हो गया, ऐबक। कौन हो गया, कौन हो गया, ऐबक। कौन हो गया, ऐबक। कौन हो गया, ऐबक। तो ध्यान रखना ऐबक पहला शासक के रूप में है। अब ये क्या था, तो ध्यान रखना ऐबक तुर्क जनजाति का है। कौन जनजाति का है, इसके माता पिता ने बचपन में ही इसको बेचा था फखरुद्दीन के हाथों, किसके, सुनो ना फटाफट दिमाग में आ जाएगा, मुड़ी ऊपर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऐबक के बारे में, ऐबक को यार आप जैसे दशहरा उत्सव पठरू बिकता है ना, वैसे अगर मैया बप्पा बेचा था दो तीन बार, तो इसमें बेचा गया था बचपन में, बेचा गया था फखरुद्दीन। क्या नाम बोले, फिर से बोलो, फिर से बोलो, किसके पास, फखरुद्दीन। फिर अंततः इसको खरीदा था कौन, मोहम्मद गौरी। इसका नाम ऐबक नहीं है, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक इसको दी गई उपाधि है, ऐबक उपाधि दिया है किसने, मोहम्मद गौरी ने। ऐबक शब्द का मतलब होता है चंद्रमुखी, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, हालांकि एक ग्रेड का काला कलूटा था, हम देखे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन उपाधि क्या मिला था, चंद्रमुखी। यारा जब मरा था मोहम्मद गौरी और जब ये शासक बना था, तो बदलाव इसके दो प्रतिद्वंदी होंगे, क्योंकि मोहम्मद गौरी के तीन चहेते, एल्दौज, ऐबक और कुबाचा। कौन कौन, जोर से बोलो, एल्दौज, ऐबक और सबसे ज्यादा किसको चाहता था गौरी, आए अगर जीवित होता तो उत्तराधिकारी किसको बनाता, लेकिन बना कौन, किसके कहने पर, लाहौर की जनता, किसकी जनता, लाहौर की जनता के पर पसंद से कौन बना, अब बतलाओ कि ऐबक बन गया शासक तो एल्दौज और कुबाचा हल्का गरियाएगा कि धुआंधार गरियाएगा, हल्का प्रतियोगी समझेगा कि जबरदस्त समझेगा, ई फरियाया। लेकिन ऐबक जानता था
कि एल्दौज और कुबाचा मेरे प्रतिद्वंदी हैं, मेरे समकक्ष हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हैं, मेरे समकक्ष हैं। तो इन दोनों के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर लिया, किसी की बहन से शादी कर लिया, किसी की बेटी के साथ शादी कर लिया, या अपनी ही बहन की शादी करा दिया। इस तरह से ये किसी का जीजाजी बन गया तो किसी का कुछ बन गया, और इन्हीं वैवाहिक संबंधों के माध्यम से एल्दौज और कुबाचा की प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया। किसकी किसकी प्रतिद्वंदिता? एल्दौज और की प्रतिद्वंदिता को किसके तहत? वैवाहिक नीति के तहत। किस नीति के तहत? वैवाहिक नीति के तहत तमाम प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया। अभी तक तुम लोगों ने देखा राजधानी कहाँ है, राजधानी लाहौर है। राजधानी कहाँ है? लाहौर की जनता के निमंत्रण पर शासक बना, फखरुद्दीन के द्वारा इसको हाथों बेच दिया गया था। के हाथों बेच दिया गया था किसको? ऐबक को, बचपन में ही इसके माता पिता ने। और ये कहाँ का काजी था? निशापुर का काजी था, फखरुद्दीन निशापुर का काजी है। इसी के पास बेचा गया था ऐबक को। ये तुर्क जनजाति का मज़ेदार चीज़, ऐबक बेहद वफादार इंसान था। जब भी शासक बना तो उस चेयर पर जिंदगी भर कभी नहीं बैठा जिस चेयर पर मोहम्मद गौरी बैठा करता था। बात समझ में आया? दूसरी बड़ी बात, जो राजा होता है वो अपने नाम के सिक्के ढलवाता है, खुतबा पढ़वाता है। खुतबा समझ में आ रहा है ना? yes. जुमे के नमाज के बाद राजा का आदेश, दैट इज खुतबा, कि राजा का आदेश है। ये कभी अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवाया, ये कभी अपने नाम के खुतबे नहीं पढ़वाया, ध्यान रखना। तो सवाल पैदा होता है कि शासन किस हैसियत से किया? तो शासन ये किया मलिक और सिपा सलार की हैसियत से। क्या नाम बोले? मलिक और सिपा सलार, ध्यान रखना। मलिक और सिपा सलार की हैसियत से शासन किया, लाहौर राजधानी बनाया था, लाहौर की जनता की पसंद से बना। निशापुर के काजी फखरुद्दीन के हाथों इसके माँ बाप ने बेचा था, तुर्क जनजाति का है। अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवाया, खुतबा नहीं पढ़वाया। सिक्का ढलवाया है? नहीं। अरे सिक्का ढलवाया है? नहीं। सिक्का और खुतबा पढ़वाया है? नहीं। हाँ, इतने से पकड़ा जाएगा ना, काट दिया आगे, कि ना अपने नाम के सिक्के ढलवाया ना अपने नाम का। एक ही हैसियत से शासन किया, तो मलिक और सिपा सलार की हैसियत से शासन किया। वैवाहिक नीति के माध्यम से एल्दौज और कुबाचा की प्रतिद्वंदिता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दूसरा चीज, इसने ही विष्णु मंदिर को तोड़कर कुवत उल इस्लाम मस्जिद, बड्डी पूछता है ध्यान रखना, कौन मस्जिद बोल रहे हैं? कुवत उल, हाँ, विष्णु मंदिर को तोड़कर कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। यही बनाया था ढाई दिन का झोपड़ा, कितने दिन का? ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा निर्माण काम में यही है। और एक और निर्माण काम के काम को आरंभ किया था, ध्यान रखना, वो है क्या? कुतुब मीनार। क्या नाम बोले? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण काम को आरंभ किया था, ध्यान रखना, यहाँ आरंभ लिख रहे हैं, मैंने बनाया नहीं था, ध्यान रखना। कुवतुल इस्लाम, विष्णु मंदिर को तोड़कर कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। भारत का इस्लामी परंपरा पर आधारित भारत का पहला मस्जिद, बड़ी इंपॉर्टेंट है, गंध मचा के पूछता है कि इस्लामी परंपरा पर आधारित भारत का पहला मस्जिद कौन सा है? तो इस्लामी परंपरा पर आधारित पहला मस्जिद कौन है? कुवतुल इस्लाम। क्या, कौन है? कुवतुल इस्लाम, कुवतुल इस्लाम, ध्यान रखना। इस्लामी परंपरा पर आधारित भारत का पहला मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन नाम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि इसको बनाने में ढाई दिन का ही समय लगा था। दूसरा ये कहा जाता है कि यहाँ ढाई दिन का मेला लगता था, तो ये निर्माण जो किया वही कहलाया ढाई दिन का झोपड़ा। क्या कहलाया? ढाई दिन का झोपड़ा। निर्माण काम कौन सा आरंभ किया? कुतुब मीनार। क्या आरंभ किया? कुतुब मीनार के निर्माण काम को आरंभ किया, कुतुब मीनार के निर्माण काम को आरंभ किया। ध्यान रखना, ये चौगान खेलता था,
क्या खेलता था? चौगन। और प्रकृति से बहुत ज्यादा दानशील था। और हातिम द्वितीय लाख बक्स लाखों का दान देने वाला, सोना तक दान दे देता था जी। तो इसको उपाधि क्या मिला है? लाख बक्स। क्या नाम बोले? लाख बक्स। नहीं देखते हो बहुत दानशील प्रकृति का होता है, कहता है अरे बड़का राजा कर्ण बनेगा, दानवीर कर्ण बनेगा। तो वैसे ही जो इस्लाम में क्या बोलते हो, दानशील प्रकृति का होता है, उसी को कहा जाता है हातिम ताई। इसलिए इसको द्वितीय हातिम ताई कहा गया। क्या कहा गया? द्वितीय हातिम ताई, द्वितीय हातिम ताई। डन है। चौगान खेलता था। चौगान कहा जाता है पोलो को। चौगान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चार प्लेयर चाहिए। बॉल जमीन में रखा जाता है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, और इतना बढ़िया मन लगा करके मुड़िए भरी गिरर बाबू कि फरकच्चा उड़ गया और वो मर गया। कौन मरा? ऐबर। कौन मरा? कौन मरा? कौन मरा? क्या खेलते समय? चौगान। ध्यान रखना रे, पोलो, पोलो खेलते समय 1210 में। उस दिन हम मना किए गधे को कि रे आज मत खेलो, चल आज मछली मारे जाते हैं। कहा कि ना खेलवे करेंगे, कहीं जाओ। हम चल गए मछली मारने, ही खेलने लगा। आए तब तक पता चला कि चला गिर के मर गया। तो मरा है कब? है का इस्लाम वाला बात है ना। इस्लाम में देखती हो बहन लोग भाई को क्या बोलती? भाई जान। भाई काट दो तो क्या बचता है जी? मैंने बात को समझा करो। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1210 में कौन मर गया? ये क्या खेलते हुए मरा? उसमें हम कहाँ चल गए थे? और ये क्या करने चल गया? गिरा और अब जब ये मर गया, सवाल ये हुआ कि अगला शासक कौन? तो लोगों ने कहा कि बेटा ये शासक के रूप में शासन करवे कब किया जो शासक बनेगा? ये तो मलिक और सिपा सलार की हैसियत से शासन किया। आप कहोगे मलिक क्या होता है सर? देखो ऊंच पद होता है, जैसे नहीं बोलते हो सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, DIG, IG, DGP। तो DGP एक पद है ना, पुलिस डिपार्टमेंट का बिग बॉस। वैसे ही प्रशासनिक अमले का बिग बॉस पद होता था मलिक। एक पद है, खान भी इसे आगे आता है, लेकिन बाद का इशू है। एक उच्च अधिकारी होता था ये, तो उसी पद पर ही शासन किया। तो लोगों ने कहा कि यार ये शासक मानवे नहीं किया, तो काहे का शासक? तो लोगों ने कहा कि माना कि इसने खुद को शासक नहीं माना, लेकिन हम लोगों के लिए शासक की तरह शासन किया कि नहीं किया? सवाल है कि हाँ किया। जब हाँ किया तो कहा कि अगला उत्तराधिकारी कौन बटेगा? तो लोगों ने निर्णय लिया कि इसी के बेटे को अगला शासक बना दिया जाए, और इसी का बेटा जिसका नाम है आराम शाह। नाम क्या है? नाम क्या है? ध्यान रखना, आराम शाह को बना दिया गया शासक। तो आराम शाह, ये सलाह ग्रुप डी में पूछा था यार, ऐबक के बाद शासक कौन बना? तुम 90% किताब पढ़ना या ये देखना, सीधा पहुंचता है इल्तुतमिस, और इल्तुतमिस के बाद सीधा पहुंचता है रजिया सुल्तान। जनरल किताब पढ़ के देख लेना। अरे ग्रुप डी क्वेश्चन था कि ऐबक के बाद शासक कौन बना। ठीक इल्तुतमिस दिया हुआ था, ये सब था, लेकिन शासक बनाया कौन? आराम शाह। ये फरियाया आराम शाह शासक कैसा था, ये अपनी जगह में है, लेकिन इसका जीजा था इल्तुतमिस। और जीजा को लगा कि मेरा साला साला होने लायक नहीं है, इस साला काहे को रहेगा शासक, हटाओ इसको। पकड़ के जीजा ने काट दिया किसको? हाँ, साले को, और आगे बनता है शासक। तो आज की कथा वाचना यहीं रखो, मिलते हैं कल के एपिसोड में।